शाजिया जी सीधा आपके पास आऊंगी। इससे पहले जब तमाम मेहमान चर्चा कर रहे थे तो सब आप लोगों के मंसूबे पर सवाल खड़े कर रहे थे। ये कहा जा रहा है कि आप लोग तो ऐसी पिक्चर पेश कर रहे हैं कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा रहा ही नहीं। 2014-2019 के बाद जब आपकी सरकारें आई, 370 हटा, तब जाकर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। देखिए, कम से कम इनको ये मानना तो पड़ेगा कि देश का संविधान और एक संविधान है और उसके तहत चुनाव लड़े जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, एक ही ध्वज, दो ध्वजों का कोई कॉन्सेप्ट अब रहा नहीं है। ना सिर्फ ये जो सारे कानून पूरे देश में और पूरे मुल्क में हैं, वो अब पूरे जम्मू और कश्मीर के इलाके में वो सारे के सारे कानून बाकायदा चल रहे हैं। जिस संविधान की दुहाई देते रहते हैं कांग्रेस पार्टी और पार्टियां, उनसे पूछिए आप जाकर यहाँ पे संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। क्या जो आर्टिकल 370 और 35A के तहत जो बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, चाहे वो हमारे पहाड़ी साथी हो या हमारे गोरखा समाज हो या हमारे बकरवाल भाई हो, उनको जब आरक्षण मिल रहा है, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन मिल रहा है, डोमिसाइल मिल रहा है और इज्जत की जिंदगी मिल रही है, वो क्यों उनसे छीनना चाह रहे हैं? क्यों चाहते हैं उनकी मर्जी से सब कुछ हो? स्टेटहुड चाह रहे हैं ताकि कमाइयां पूरी इनकी शुरू हो। स्टेटहुड के लिए किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन जो कमाई जा रही थी ना, अब तो सारी जो पैसे हैं डायरेक्ट जा रहे हैं बेनिफिट्स लाभार्थी के अकाउंट में, चाहे वो औरतें हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो। मुमकिन एक योजना है, उम्मीद एक योजना है। आप आके देखिए, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं इंटीरियर्स में जा रही हूँ और लोग दिल से दुआ दे रहे हैं। आप सोच ही सकती हैं, जो गोल्ड कार्ड, जो सेहत का कार्ड है, 85 लाख लोगों ने अवेल किया है। ऐसा कोई घर नहीं है कश्मीर में जिसने अवेल नहीं किया। कल इफ्रा जान मुझसे बोली कि वो तो चल नहीं रहा है, खत्म हुआ है। वो इस वजह से, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनी है टोक्यो, उसने कहा कि यहाँ पे इतना ज्यादा हमारा पैसा जा रहा है तो हम उसमें लीगल बैटल में लगे हैं उसको लेकर, लेकिन उसका फायदा शाजिया जी, उम्मीद यहाँ पर सबको ये थी कि प्राइम मिनिस्टर आज डोडा में रैली को संबोधित करेंगे तो शायद स्टेटहुड को लेकर कोई वादा कर देंगे, तारीख बता देंगे। तहसीन जी कह रहे हैं कि कोई तारीख तो कम से कम बताइए ना, स्टेटहुड कब वापस करेंगे। मैं बताऊं प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे और क्या कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। और अब बात ये है, प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं तीन परिवारों की नहीं, एक और परिवार की। और वो परिवार किसका है? जम्मू निवासी का, कश्मीर निवासी का, हर एक डोगरा घर का, हर एक कश्मीरी घर का, हर एक बकरवाल घर का, हर एक गोरखा घर का, हर एक जो है, चाहे वो पहाड़ी हो या वाल्मीकि समाज का या शरणार्थी जो पश्चिम पाकिस्तान से आया है उसका। तो प्रधानमंत्री उस घर और उस खानदान की बात कर रहे हैं। बस स्टेटहुड की तारीख ये बात जानना चाहते थे तहसीन पूनावाला जी। बात बहुत चुप रही है। ठीक है, मैं क्यों वाल्मीकि समाज की बात, तहसीन पूनावाला जी से इस बात का जवाब देने की बात क्यों हो रही है? ठीक है शाजिया जी, कश्मीरी की बात क्यों हो रही है? ठीक है, एक डोगरा परिवार की बात क्यों हो रही है? मैं जवाब ले लेती हूँ, तहसीन जी से जवाब ले लेती हूँ। शाजिया जी, एक मिनट आपको रोक रही हूँ, एक मिनट आपको रोक रही हूँ। शाजिया जी, अगर आपको आवाज मिल रही तो आपको एक मिनट रोक रही हूँ। और एक बार फिर अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि इस कार्यक्रम में जिसने जिस भी शब्द का इस्तेमाल किया है वो उनके निजी विचार हैं, हमारा, हमारे शो का, हमारे चैनल का उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी टिप्पणी अगर यहाँ पर की जा रही है किसी के बारे में भी, तो वो पर्सनल टिप्पणी है, निजी राय है। अब तहसीन पूनावाला जी, आपके पास आ रही हूँ। शाजिया अलमी जी कह रही है कि मैं तो जम्मू कश्मीर में घूम रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कितना प्यार है या क्या कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में। वो बदलाव क्या रास नहीं आ रहा कांग्रेस को या बाकी अन्य पार्टियों को? तो शाजिया जी, जम्मू एंड कश्मीर में उनका स्वागत है, अच्छी बात है जम्मू एंड कश्मीर में। मैं दो या तीन चीज रखना चाहता हूँ, दो या तीन चीज मोटी मोटी कही गई है। प्राची जी, शायद आपको भी अब तक तारीख नहीं पता है कि कब सूबा स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, किसी को नहीं पता। सारी बातें घुमाई गई, प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करो, स्टेटहुड की डेट नहीं दी गई, ये बात किसी को नहीं पता। तो प्रधानमंत्री स्टेटहुड का वादा नहीं कर रहे। दूसरी बात कहा जाता है अब नॉर्मलसी आ गई, नॉर्मलसी आ गई तो मैंने एक आरटीआई डाला था, लेकिन आरटीआई के पहले कितने पंडित हमारे भाई वापस लौटे कश्मीर के अंदर, ठीक उतने जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, शून्य शून्य। ठीक है, फिर मैंने आरटीआई डाला, आरटीआई में डाला कितने नए कारोबार आए कश्मीर के अंदर, ठीक उतने जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, शून्य। 270 मैं 370 एब्रोगेट हुआ उसके पक्ष में हूं, मैं दोबारा से कह रहा हूं, लेकिन उसके एब्रोगेट होने के पहले उमर अब्दुल्ला साहब का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है और उसी से मैंने डेटा लिया, कश्मीर का पर कैपिटा इनकम, कश्मीर का हेल्थ स्टेटस, कश्मीर के बाकी सब पैरामीटर्स पे कहां था, भारत के 5 सबसे बड़े राज्यों के अंदर। ठीक है, चलो अब कहा जाता है एक एक ध्वज के नीचे हम, एक ध्वज एक झंडा एक ध्वज, ये किसकी तस्वीर है प्राची जी? शायद ये मोदी जी है,
दो झंडे हैं गले मिल रहे, कश्मीर का ही झंडा था ना, हम करें तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनेगार, हम करें तो हम झंडे के सामने अगर हमारी सरकार बनाएंगे तो महबूबा मुफ्ती को भूल जाएगी कि परिवारवाद है, मुफ्ती साहब को हम भूल जाएंगे परिवारवाद है, और कश्मीर की बात जाते हम हरियाणा में करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। 370 को बाजू रखिए, बताइए स्टेटहुड कब, बताइए कि पंडित भाई क्यों नहीं आए।